press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, जो भी कंप्यूटर का अब तक का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कहां तक पहुंचा कंप्यूटर, उसके बारे में हमने कुछ अपनी बात की पिछले वीडियो में, जो था हमारा कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे कि कंप्यूटर को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी अगर हम बात करें तो आपका कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो कैटेगरीज को हम किन किन बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर को हम किन किन बेसिस पर लेके अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि उनके काम के आधार पर, हम उनके काम के आधार पर उनको हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइड इनटू द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। फर्स्ट इज द एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जनरली जो आपकी कैलकुलेशन करता है वो कुछ आपकी डिजिट से रिलेटेड कैलकुलेशन करता है। जैसे मान लीजिए आपका एक थर्मामीटर है, उसको आप मुंह में लगाते हैं और आपकी कैलकुलेशन को बता देता है। एक आपका मल्टीमीटर है जिसमें आप रेडियो टीवी इसको चेक करते हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम तो आई तो उसको आप चेक कर सकते हैं। अगला है आपका, जैसे कि आपकी जो गाड़ी में, बाइक में, आपकी फोर व्हीलर में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो भी इसी में आता है, एनालॉग में। और एक है आपका पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे आप जो मीटर देखते हैं तो वो भी आता है आपका इसी एनालॉग में। सो द एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर इज द थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, मल्टीमीटर, पेट्रोल मीटर एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे अगला आपका डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो डिजिट्स के आधार पर होती है, यानी कि द कैलकुलेशन इन द बेसिस ऑफ डिजिट्स 0 and 1। तो आजकल हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमारा यही होता है, तो इसे बोलते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर के आधार पर। तो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, जो PC है, वो आता है हमारी इसी कैटेगरी। अब बात करते हैं हम द थर्ड इज द हाइब्रिड कंप्यूटर। दिस इज द मिक्सचर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर। सो वी कैन कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर दैट मेक्स द हाइब्रिड कंप्यूटर। सो दोनों टाइप के कंप्यूटर को आप मिला देते हो तो वो बनता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के आधार पर अगर हम कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट कंप्यूटर इज द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज द सुपर कंप्यूटर, इट मीन्स दिस इज द टॉप लेवल कंप्यूटर। सो द स्पीड इज वेरी फास्ट एंड द कैलकुलेशन इज वेरी फास्ट। दिस कंप्यूटर जनरली यूज फॉर द कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन परपज, फॉर एग्जाम्पल वेदर फॉरकास्टिंग एंड अदर साइंटिफिक कैलकुलेशन परपज। तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है स्पीड के मामले में, सबसे फास्ट कैलकुलेशन करता है और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करता है जो आपके साइंटिफिक काम में आती हैं, चाहे आपकी वेदर फोरकास्टिंग हो या अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, सैटेलाइट से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीज़ें जो करता है वो आपका करता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से नीचे आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी काफ़ी बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर से, ये थोड़ा सा नीचे होता है अगर हम बात करें। इसमें लगभग आपके 100 से लेकर के 1000 लोग तक इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा एरिया लेता है। तो ये है आपका, इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनमें भी इसको हम यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका मिनी कंप्यूटर। जो आपका मिनी कंप्यूटर है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा नीचे आता है। अगर हम बात करें तो ये आपका माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है और आपका मेन फ्रेम से ये थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये इन दोनों के बीच का होता है। इसमें भी कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। सो नाउडेज वी आर यूजिंग दिस इज द माइक्रो कंप्यूटर। सो इन दिस कंप्यूटर देयर इज द रैम, रोम एट्सेट्रा। इसमें आपकी रैम, रोम, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैम, रोम एंड द माइक्रो प्रोसेसर। अब इसके कुछ सब पार्ट्स के बारे में हम बात करें, एग्जांपल लें जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर।
The desktop computer is the combination of your system unit, for example, CPU, monitor, keyboard, mouse, etc. Next is the laptop. Laptop is the example of microcomputer. तो लैपटॉप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ में जुड़ी होती हैं, इसमें माउस को हम टच पैड से यूज करते हैं, कीबोर्ड भी उसमें होता है और स्क्रीन भी उसकी उसी में होती है, जबकि डेस्कटॉप में स्क्रीन अलग होती है, जबकि लैपटॉप में आपका सारा का सारा एक साथ ये मिला होता है। अब आता है पाल्म टॉप कंप्यूटर। जो पाल्म टॉप कंप्यूटर है वो एक तरह से आपकी टच स्क्रीन टाइप होता है, जैसे आपका मोबाइल होता है उसी तरह से ये काम करता है, जैसे आप मोबाइल को यूज करते हैं ये भी इसी तरह से काम करता है, ये मान लीजिए यही होता है ये। तो ये हमने कंप्यूटर का डिवाइड किया दो तरह से, और एक और होता है इसमें आपका सेकंड वाले में ही वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होते हैं आपके, एक ही कंप्यूटर को बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्क स्टेशन। यानी कि एक उसका सर्वर होता है और उस सर्वर को वहाँ से कई सारे मॉनिटर लगा के बहुत सारे लोग उसको एसेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन पर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक कंप्यूटर को शेयर करते हैं। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ें तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, अगर ब्रांड के आधार पर हम कंप्यूटर को डिवाइड करें तो बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे आपका IBM है, एप्पल है, मैसिनटोस है, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके आधार पर हम कंप्यूटर को कर सकते हैं डिवाइड। तो ये कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ें थी, इनके आधार पर आप कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स द समराइज। सो देयर आर द मैनी टाइप ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी डिवाइड फॉर द बेसिस ऑफ वर्किंग, बेसिस ऑफ साइज। सो देयर आर द वेरी मैनी टाइप ऑफ द कंप्यूटर। लेट्स एंड नाउ Meet again. Thanks for watching. Have a nice day.